नमस्कार, मैं हूं इंद्रपाल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। हमारे साथ इस समय उत्तर मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोपाल शेट्टी जी हमारे साथ मौजूद हैं। गोपाल शेट्टी जी का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड रहा है कि कभी भी लोकसभा में इनकी अनुपस्थिति नहीं रही। यह पूरे देश में सबसे बड़ा रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया, ये बता दे। और इस बार पहली बार लोकसभा में पहुंचे और दूसरी बार पहुंचने के बाद इनका रिकॉर्ड जो होगा वो आने वाले कामों का होगा। और इस बार भी उत्तर मुंबई में जिन्होंने काम किया वह काम को लेकर के इनकी जनता में जो पैठ बनी है वह लोगों के लिए, विरोधियों के लिए एक बड़ी बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। साहब, एक चीज हम बता देंगे आपको कि सबसे पहले तो हम आपके कामों को लेके आएंगे उत्तर मुंबई के। आपने चारकोप सेक्टर 8 का जो बहुत बड़ा काम किया, आप अक्सा बीच में ब्रिज का काम करने जा रहे हैं, गार्डन हुआ, झांसी की रानी का गार्डन हुआ, और सब बातों का हम जिक्र करेंगे। हम सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे पर आते हैं। सरकार ने सवर्ण को आरक्षण दिया, 10% आरक्षण देने के लिए घोषित किया, जिसमें की पाटीदार, लाला और ब्राह्मण, छत्री, बनिया, ये लोगों को शामिल किया गया। एक बात बताइए साहब कि ये आरक्षण इस 2019 के इलेक्शन के ठीक 3 महीने पहले यह घोषित करना, लोगों को लग रहा है कि कहीं कहीं भाजपा ने रेवड़ी पकड़ा दी है। देखिए, आपको बहुत बड़ी बात बताता हूँ जी। हमने तो इलेक्शन के 3 महीने पहले घोषित किया और उसको देना भी प्रारंभ कर दिया। खाली घोषित नहीं किया, देना भी प्रारंभ हो गया। हर राज्य के लोगों ने अपना कायदा बनाकर उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू हो गया। लेकिन कोर्ट मेरी बात सुनिए ना, तो चुनाव में जब जाएंगे तब तो लोगों को मिलता हुआ दिखाई देगा, आपको लोग उसका लाभ ले रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, सारे ये जो विपक्ष के लोग जो भी इस तरह के बात करते होंगे, या तो फिर मैं हर बार इस बात का उपयोग करता हूँ, सो कॉल्ड मीडिया, तथाकथित मीडिया के लोग, मीडिया का काम करते होंगे, हम तो 3 महीने के पहले घोषणा किया, हमने देना भी प्रारंभ कर दिया। लेकिन साहब, चुनाव के दिनों में, चुनाव में जब आप जाते हो उससे पहले 8 दिन इलेक्शन का मैनिफेस्टो डिक्लेयर होता है और उसमें कहा जाता है हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, हम लैपटॉप देंगे, हम फलाना देंगे, तो वो सही है क्या? ये सही है, वो तो एक चुनावी एजेंडा। देखिए, जो सब चुनावी एजेंडा, आप ही तो मुझसे कह रहे हैं कि 3 महीने पहले आपने घोषित किया तो चुनाव, सरकारी एजेंडा चुनावी एजेंडे में तो फर्क, एक पार्टी का एजेंडा है, सरकारी एजेंडा, ये सरकार का एजेंडा है। हाँ, तो सरकारी एजेंडा और पार्टी के चुनाव के एजेंडे में तो मुझे आप बताइए, सरकारी एजेंडा बड़ा है या चुनावी? सरकारी एजेंडा, चुनावी एजेंडा तो आप भी कल कोई पार्टी बनाकर खड़े हो सकते हैं और आप भी घोषणा कर सकते हैं, उसका कोई ठिकाना नहीं है। हाँ। लेकिन ये तो सरकार है ना, अस्तित्व में है, अस्तित्व में है, और एक भरोसेमंद सरकार है, बिल्कुल, जो कहती है वो करती है, बिल्कुल, तो वो अच्छा है कि ये अच्छा है? सरकार का कोई भी काम पार्टी का नहीं होना चाहिए, सरकार का काम देश हित। देखिए, एक बात को आप मान लीजिए, ये आप लोगों का और कुछ लोगों का जो मन में ये जो भूसा भरा हुआ है ना, पार्टी राजनीति भारत देश है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में चुनाव होता है, चुनाव होता है, चुनाव पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के माध्यम से होता है, बिल्कुल। तो फिर उसमें राजनीति और पॉलिटिकल पार्टी का बात क्या है? पॉलिटिकल पार्टी के लोग ही तो चुनाव लड़ते हैं। लेकिन खाली एक हम वोट बैंक बनाने के लिए जब हम कोई काम करते हैं, और वोट बैंक क्यों नहीं बनाना चाहिए? वोट बैंक क्यों नहीं बनाना चाहिए? मेरी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है, मुझे मेरे विचारों के आधार पर, मेरे पॉलिसीज के आधार पर, मेरे प्रिंसिपल्स के आधार पर, मेरे पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के स्वभाव के उनके इसके आधार पर मुझे लोगों को विश्वास में लेकर मुझे लोगों का कल्याण करना, इस देश का कल्याण करना, ये मेरे पार्टी का एजेंडा है। साहब, देखिए, एक बात जब आपने डीमोनेटाइजेशन किया, उस समय चुनाव का कोई महत्व नहीं था, यूपी में सरकार, यूपी में चुनाव का था, लेकिन फिर भी सरकार, जनता ने आपको एक्सेप्ट किया, क्योंकि चुनावी एजेंडा, चुनावी एजेंडे में वो चीज शामिल होने वाली नहीं। लेकिन ये गलत कर रहे हो, डीमोनेटाइजेशन हमने किया, देश के लोगों को ये लगा कि ये देश हित में है, देश के लोगों ने हैरानी परेशानी बर्दाश्त की और देश के लोगों ने डिमोनेटाइजेशन में हमारे साथ खड़े। मुझे मुद्दे को पूरा करने दीजिए। ऐसी कौन सी सरकार दुनिया में है कि जूना लेकर नया देती है बिगड़ पैसे से? जूना नोट हमने दिया, नया नोट दिया, प्रिंटिंग का भी पैसा नहीं लिया लोगों से, साथ साथ में हमने ये भी कहा कि 2.5 लाख रुपया कोई भी अकाउंट होल्डर है वो जमा कर सकता है, तो 2.5 लाख रुपया उसका तुरंत हमने ले लिया। हमने ये भी कहा कि 2.5 लाख से भी ज्यादा जितना है आपके पास उतना आप जमा करिए, लिया जाएगा, लेकिन उसका अकाउंट देना पड़ेगा।
मैं मेरे बीवी को पैसा देता हूँ मासिक खर्चे के लिए, मैं मेरे बच्चे को खर्चा देता हूँ पॉकेट एक्सपेंस के लिए, तो मैं मेरा पिता मैं होकर, मेरा पत्नी का पति होकर मैं मेरे पत्नी से हिसाब लेता हूँ, मैं मेरे बच्चों से हिसाब लेता हूँ, तो सरकार ने हिसाब क्यों लेना? सरकार ने हिसाब लेना, सरकार को आप माय बाप बोलते हो ना, सरकार माय बाप है, सरकार इस देश को चलाने वाली है, सरकार इस देश को आगे ले जाने वाली है, तो सरकार ने हिसाब क्यों लेना नहीं चाहिए? लेकिन माय बाप का तो भी दायित्व होता है कि अगर हमारा बच्चा रोजगार है तो उसको कहीं कहीं रोजगार देना, उसकी रोटी देना, व्यवस्था करना, जब राशन कार्ड की दुकानों पे आप राशन देना बंद करवा दिए, किसने बंद किया? चल रहा है बातें अभी कांग्रेस वालों ने ही मुद्दा, कांग्रेस वाले सब बात करेंगे। देखिए कांग्रेस, देखिए अभी आप तो फिर कांग्रेस का नाम लेकर मेरा मूड खराब कर दिया, वैसे आप देश के लोगों का मूड खराब कर दो। सुबह उठकर हम भगवान का नाम लेते हैं ताकि हमारा दिन अच्छा जाए। कांग्रेस का नाम लेना क्या बहुत खतरनाक चीज है, खराब चीज़ है। आप क्या अच्छी बातें बताइए कांग्रेस से, कौन सी अच्छी चार बातें बताइए। चलो अगर कांग्रेस की अच्छी बातें नहीं होती तो तीन प्रदेश में सरकार आती कैसे? देखिए सरकार डेमोक्रेसी में, जनता ने तो चुन के दिया ना, मेरी बात सुनिए, सरकार आना जाना ये डेमोक्रेसी का एक अंग है। सरकार के कोई निर्णय से कोई खुश हो जाते तो सरकार लाते हैं, कोई निर्णय से कोई नाराज होता है तो उसका इफेक्ट आते हैं। आपने देखा ना, आपके टीवी के माध्यम से मैं सुन रहा था, वो बोल रहा है कि सब काम मोदी जी ने किया लेकिन वोट हमने कांग्रेस को दिया। क्यों दिया? तो उन्होंने हमको कहा कि हम ये देंगे वो देंगे, हम लालच में आ गया। वो वोटर जिसने वोट दिया वही बोल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग गुमराह होकर भी वोट देते हैं। मध्य प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो मध्य प्रदेश का आप देखेंगे नेक टू नेक है, हमने 35 सीट तो एकदम बहुत मार्जिन लाइन पे हम हारे हैं। मध्य प्रदेश के हार को हम हार मानते नहीं लेकिन हार का हमको दुख जरूर पहुंचा है मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का। अभी उत्तराखंड जैसे में, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह साहब ने इतना अच्छा काम करने के बाद में, इतना अच्छा काम करने के बाद में कितने उधर गरीबों के लिए, सामान्य वर्ग के लिए कितनी अच्छी अच्छी योजनाएं। लेकिन ठीक है, चुनाव हार ये हार है, जीत ये जीत है। जनता लोक अदालत तो सबसे बड़ी अदालत, जनता की अदालत है, जनता की अदालत ने अगर हमने मान दिया ना उसको, हाँ हमने उसको मान लिया। तो अब ये जो बात आती है कि जब ये तीन महीना इलेक्शन और सवर्णों का आरक्षण, गैर सरकारी और निजी दोनों में दिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं ओबीसी एसटी एसटी पे तो कहीं ना कहीं तो उनको चोट पहुंचने वाली है। बताइए ना कैसे कैसे उनको उनको जो सीट उनको, आप जनता में घूमते हो आप बताइए तो हम अगर वो सही है तो उसका उसके बारे में सोचेंगे भी। आप बताइए अभी देखिए जो गैर सरकारी में आरक्षण दिया गया उनको भी मिल रहा है, लेकिन निजी क्षेत्रों में हमको आरक्षण दिया गया सवर्णों को लेकिन उनको नहीं मिल रहा है। किसने कहा आपको? ये आप कांग्रेस और कुछ तथाकथित मीडिया के लोगों की बातें सुनकर कर रहे हैं। देखिए इसमें जो गैर सवर्ण ब्राह्मण और जो ये 10% आरक्षण मिलने वाला है, जो अन्य लोगों को आरक्षण मिलता है वही इनको दिया जा रहा है। कोई इसमें उनको कोई कम मिल रहा है और इनको कोई ज्यादा मिल रहा है, उनको यहाँ पर नहीं मिल रहा है उनको, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। कुछ नहीं है ऐसा। अच्छा, ऐसा अगर होता, हाँ। ऐसा अगर होता तो अभी कोर्ट में चले नहीं जाते थे लोग इतने? अच्छा अच्छा, ये हर चीज छोटी छोटी चीज के लिए कोर्ट में जाते हैं। हाँ। जाते थे ना लोग? बिल्कुल बिल्कुल। फिर नहीं है इसका मतलब, एक बहुत बड़ा पासा फेंका है आपकी सरकार ने, आपकी पार्टी ने, कि जो एससी एसटी को मुद्दे को लेकर के सवर्ण नाराज थे और तीन स्टेट हमारे हाथ से गया उनको खुश कर दिया तो हमारा क्या 2019 का इलेक्शन क्लियर हो जाएगा? तो क्या आपको ये कहना है कि जो नाराज है उसको खुश नहीं करना चाहिए ना? नाराजगी दूर नहीं करनी चाहिए। सरकार का काम क्या होता है? माँ बाप का काम क्या होता है? बच्चे अगर घर में नाराज है कोई विषय से, माँ बाप को भी लगता है कि उनकी मांग उनकी बातें जाहिर है तो बाप हमने मान लेना चाहिए। मतलब एससी एसटी में एक्ट में आपने संशोधन करके कहीं कहीं गलती किया है, उस गलती को आपने सुधारा। नहीं देखिए कुछ बातों को ना कहना ये देश हित के लिए और समाज हित के लिए अच्छा है। अच्छा, हम एक रूलिंग पार्टी के, मैं एक नेता हूँ, मैं एमपी हूँ, मतलब जातिवाद से तोड़ना दीजिए। देखिए जो हो गया है उसके बारे में नमक छेड़ना ये अच्छी बात है, किसी के लिए भी अच्छी बात है। जो हो गया उसको भूल जाइए, जो और अच्छा करना हो करो, हमको लगा हमको यहाँ पर अच्छा कर के आगे बढ़ना चाहिए, हम बढ़े। और ये हमारे ये जो हमारा मुद्दा जो आज का नहीं, जिस दिन से भारतीय जनसंघ की हमने स्थापना की उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी, उस दिन से हम कह रहे हैं कि आरक्षण
गरीबों को मिलना चाहिए, जो कोई भी भाषा का हो, कोई भी जात का हो। ये हम पहले से कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही, हम पहले से कह रहे हैं, बिल्कुल। तो ये कौन सा नया मुद्दा आ गया? खाली सवर्णों को गरीबों के आधार पर मिलना चाहिए, बाकी कुछ गरीबों के आधार पर नहीं मिलना चाहिए। अभी कौन बाकी है बताइए? नहीं, खाली सवर्णों में गरीब अभी कौन बाकी है? तो ब्राह्मण से लेकर सवर्ण से लेकर ओबीसी से लेकर एसटी से लेकर बीसी से लेकर सबको तो हो गया, सबको। एक बात बताइए साहब, कि सवर्णों में आपने गरीबी गरीब और अमीर को बांट दिया, लेकिन और नहीं बांटा है। अरे आपने देखिए, यही तो आप लोगों की दिक्कत है, यही तो दिक्कत है आपको। हमारे देश में क्या है कि इन जनरल में सरकार नाम से की जो चीज है उसके ऊपर गुस्सा है, उसके ऊपर गुस्सा है। हमने नहीं बांटा भाई साहब, 1947 से जिन लोगों ने राज किया उन लोगों ने बांटा है। हम तो पहले दिन से कहते थे कि भाई ये जातिवाद का राजकारण मत करो, निश्चित देश में दो, एक स्त्री जात है, एक पुरुष जात है, एक अमीर जात है, एक गरीब जात है। हाँ। तो अमीर को ठीक ठाक वहां रहने दो, उल्टा अमीर के पास से लाभ लेके नीचे के लोगों की मदद करो, गरीब है उसको मदद करो। मतलब हम पहले दिन से कहते हैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड, इकोनॉमिकली आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़ा हुआ है उसको मदद करना चाहिए, सभी लोगों के लिए। और मैं नहीं संशोधन होना सर, नहीं देखिए करेंगे ना। हाँ। अभी भी जो कुछ भी बचे होंगे, जैसे महाराष्ट्र में धनगर और धनगढ़, ये एक शब्द का जो इतना फर्क है। हाँ। ये बरसों से चला हुआ है। हाँ, ये शर्म की बात है हम जैसे लोगों के लिए। हाँ। आप जैसे मीडिया के लोगों के लिए भी शर्म की बात है, हम जैसे पॉलिटिशियन राज करने वाले लोगों के लिए भी शर्म की बात है कि छोटी छोटी करेक्शन करने के लिए बरसों लग जाते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं, इसलिए हम कोई इस बात का दावा नहीं कर रहे कि हमने 5 साल में 4.5 साल में देश की सारी समस्याओं को खत्म कर दिया, ये तो हम कह ही नहीं रहे। अगर हमने पूरा कर दिया तो फिर किसी भी पार्टी को फिर से वापस चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं है देश में। है मुद्दे आज भी है, और मुद्दे जब तक ये सिस्टम चलता रहेगा, जब तक ये देश चलता रहेगा, मानव जाति है, तब तक ये समस्या रहने वाली है। नई नई समस्या पैदा होते जाएंगे, उसका निराकरण करना ये सरकार का काम है। लेकिन समाज में जो इस तरीके से एक छोटा सा विराम के बाद पर चर्चा जारी है, देखते रहिए मेट्रो में, छोटा सा विराम।